हेलो स्टूडेंट, आज हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के अंदर एम्पाइमा डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर आज के इस टॉपिक में एम्पाइमा को पायोथोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। एम्पाइमा का सेकंड नेम पायोथोरेक्स भी उसको कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, एम्पाइमा इज आल्सो कॉल्ड पायोथोरेक्स एंड प्लूरेंट प्लूराइटिस। एम्पाइमा को हम पायोथोरेक्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम प्लूरेंट प्लूराइटिस के भी नाम से ही जाना जाता है। एम्पाइमा इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द स्पेस बिटवीन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लंग। इसका मतलब एम्पाइसमा एक कंडीशन है। एम्पाइसीमा कंडीशन का मतलब यहाँ पर यह है कि जब किसी पेशेंट को लंबे समय से निमोनिया है तो उसको सेकेंडरी जो स्टेज है वो उस पेशेंट को एम्पाइसीमा हो सकता है, या फिर चेस्ट इंजरी रही हो या सर्जरी हो चुकी हो उस कंडीशन में उस पेशेंट को एम्पाइमा हो सकता है, या एम्पाइमा इज अ कंडीशन That affect the space between the outer layer of the lung. इसका मतलब ये लंग की जो आउटर मोस्ट लेयर है, लंग की जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको अफेक्ट करता है। लंग की दो लेयर होती हैं, एक होती है विसरल प्लूरा और एक होता है पराइटल प्लूरा। इस दोनों के बीच में एक फ्लूड भरा रहता है जो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन से या फ्रैक्शन से बचाने में हेल्पफुल होता है। इस फ्लूड का काम होता है लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट और डायलेशन से जो फ्रैक्शन हो रहा है उससे प्रिवेंट करे, उस लंग को प्रिवेंट करे। तो जब किसी को निमोनिया है तो उस कंडीशन में, या एम्पाइमा हो रहा है उस कंडीशन में, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद द लेयर टचिंग द चेस्ट वॉल, और जो लेयर है ये टच हो रहा है आपके चेस्ट वॉल से, इट इज द प्लूरल स्पेस, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस कहते हैं। अब इसको एक हाईलाइट में समझने की कोशिश करेंगे कि एम्पाइमा इज आल्सो कॉल्ड पायोथोरेक्स और प्लूरेंट प्लूराइटिस। एम्पाइमा को पायोथोरेक्स के नाम से और प्लूरेंट प्लूराइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एम्पाइमा इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट द स्पेस बिटवीन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लंग। और एम्पाइमा जब किसी पेशेंट को होता है तो जो लंग की आउटर मोस्ट लेयर है उसको अफेक्ट करेगा, और जो अंदर जो फ्लूड है, दो लेयरों के बीच में जो फ्लूड है उस फ्लूड में आउटर लेयर को इफेक्ट करेगा, जिससे उस पेशेंट को एम्पाइमा कहा जाएगा। ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसके अंदर फ्लूड है, दो लेयरों के बीच में जो फ्लूड है उसको इफेक्ट किया है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, चाहे वो इंजरी की वजह से हो सकता है, जिसको हम एम्पाइमा बोल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एम्पाइमा। पहला स्टेज, जब किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज होता है तो उसमें क्या क्या सीवियरिटीज या सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्पाइमा इज कॉल्ड सिंपल एम्पाइमा। जब किसी को फर्स्ट स्टेज होता है तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर उसको अफेक्ट करेगा, आउटर मोस्ट लेयर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और ये छोटा सा एक जो फ्लूड है, हमारा फ्लूड को अकुमुलेट करने की कोशिश करेगा। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है, जो बैक्टीरिया इस फ्लूड को अकुमुलेट करेगा, इकट्ठा पाउच बनाएगा, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, सिंपल एम्पाइमा। इट अकर्स व्हेन एक्स्ट्रा
फ्लूड बिगिंस टू बिल्ड अप इन द प्लूलर कैविटी, और जो फ्लूड इफेक्ट हो रहा है और इफेक्ट होगा तो आपकी जो लंग्स है या उस पेशेंट के लंग के अंदर एक पाउच फॉर्म में जमा होगा, ठीक है। दिस फ्लूड कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड मे कंटेन पस, और ये फ्लूड धीरे धीरे क्या होगा, इन्फेक्टेड होता चला जाएगा और एक पस के रूप में एक पाउच में इकट्ठा होगा, जिसको हमने बोला है सिंपल एम्पायमा। सेकेंड स्टेज में बात करें तो इन कॉम्प्लिकेटेड एम्पायमा द फ्लूड इन द प्लूलर कैविटी बिगिंस टू थिक एंड फॉर्म पॉकेट्स। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जब पहले स्टेज में क्या हुआ, फ्लूड का इन्फ्लामेट हुआ, इन्फेक्शन हुआ फ्लूड के अंदर, और उसने क्या करा, एक पस जनरेट किया। जब पस हो जाएगा तो वो पस एक क्या करेगा, एक पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर में उस पस को कलेक्ट करेगा और उस फ्लूड को क्या करेगा, थिक करेगा। धीरे धीरे वो फ्लूड गाढ़ा होता चला जाए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, फ्लूड का इकट्ठा होना, उसको बोलते हैं प्लूलर इफ्यूजन। प्लूलर इफ्यूजन आप देख सकते हैं इस पेशेंट को प्लूलर इफ्यूजन हो रहा है धीरे धीरे। अब यही साइज बड़ा होता चला जाएगा, इन्फेक्टेड फ्लूड इन्फेक्टेड होगा उसी तरह से फ्लूड का आकार बढ़ेगा, ठीक है ना, और ये साइज बड़ा होता जाएगा। तो उस कंडीशन में उस चेस्ट उस एरिया में इन्फेक्टेड एरिया में वहाँ टाइटनेस भारीपन दिखेगा और फ्लूड ज़्यादा दिखेगा उस कंडीशन में, उसको हम बोल रहे हैं प्लूलर इफ्यूजन। तीसरा स्टेज क्या कहता है, फाइनली द इन्फेक्टेड फ्लूड कॉजेस स्कारिंग टू द इनर लाइन या इनर लेयर द दैट लाइंस द प्लूलर कैविटी इन द लंग। अब जब फ्लूड धीरे धीरे इन्फेक्टेड होगा तो ये बाहर की जो लेयर है, बाहर की जो लेयर है उसमें क्या करेगा, उसकी जो सेल को स्कार फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब उस सेल को डैमेज करेगा जिसकी वजह से स्कार फॉर्म होने लगेगा, किसमें, आउटर मोस्ट लेयर के अंदर। और उस पेशेंट को क्या होगा, जब फ्लूड इकट्ठा होने लगेगा तो उसके सेल्स डैमेज होने लगेंगे, उसके साथ साथ पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी, किसमें, सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। पहला है क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो पहला कॉज है इट डेवलप्ड आफ्टर निमोनिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था किसी पेशेंट को पहले निमोनिया है और उसका सेकेंडरी जो स्टेज है वो एम्पायमा भी हो सकता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया तो उसका सेकेंड स्टेज है एम्पायमा। दूसरा है बैक्टीरिया एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो इस निमोनिया के लिए जिम्मेदार होता है वही चीज़ उसमें एम्पायमा भी हो सकता है। तीसरा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। चौथा सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मीन्स जब किसी का चेस्ट इंजरी रही हो या चेस्ट ऑपरेटिव हुआ हो पेशेंट से, तो उस समय क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया के कारण एम्पायमा भी हो सकता है। नेक्स्ट सर्जरी ऑन योर चेस्ट, उस पेशेंट की सर्जरी हुई हो उस कंडीशन में एम्पायमा हो सकता है। टीवी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एल्कोहलिज्म होने की, एल्कोहलिज्म ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से भी हो सकता है। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ठीक है ना, इसकी वजह से भी जिम्मेदार हो सकता है एम्पायमा। नेक्स्ट लंग एप्सिस, लंग के अंदर एप्सिस फॉर्म होना, इसको हम प्लूलर इफ्यूजन या एम्पायमा भी कहते हैं। नेक्स्ट वीक इम्यून सिस्टम, जब आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है तो छोटा सा छोटा बैक्टीरिया आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, आपकी बॉडी के सेल्स को इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट को एम्पायसीमा या एम्पायमा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहला क्लिनिकल फीचर्स है क्रॉनिक कफ, उस पेशेंट को बार बार कफ आएगा। दूसरा डिप्सनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि उसका चेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट नहीं होगा, एल्वोलाइज जो डायलेट नहीं होंगी तो, और जो सेल्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से उस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि जो फ्लूड है वो थिक हो चुका है
और वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डायलेट नहीं करने देगा लंग्स को, जिसकी वजह से सांस लेने में उस पेशेंट को दिक्कत होगी। नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस, फटीग थकान महसूस करेगा क्योंकि बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन है। रेस्टलेसनेस हो जाएगा एंड फीवर, फीवर क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की वजह से उस पेशेंट को फीवर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम की, चेस्ट पेन, स्वेटिंग रहेगा, एनोरेक्सिया, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट इन अफेक्टेड साइट, जिस एरिया में एम्फाइमा है उस एरिया में पेशेंट मूव कम करेगा, मतलब पेन की वजह से या फिर टाइटनेस होने की वजह से वो मूवमेंट कम रहेगा वो एरिया। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस, पहला है हाई फीवर हो सकता है, चिल्स, रैपिड ब्रीथिंग, फास्ट हार्ट रेट, लो ब्लड प्रेशर। अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, उस पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, क्या उसको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जरी, प्रेजेंट सर्जरी, ये सारी चीज़ें उसके बारे में, या फिर एल्कोहलिज्म तो नहीं है, या फिर स्मोकर तो नहीं है, या पहले निमोनिया तो नहीं रहा उसको, क्या सीओपीडी का पेशेंट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर आएगा। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो लंग्स है उसके पास में पालपेट, थ्री फिंगर पालपेट करके देखा जाएगा कि कहीं फ्लूड अकुमुलेट तो नहीं है, या फिर टाइटनेस तो नहीं है, भारीपन सा दिखेगा उस पेशेंट के, जिससे पता लगेगा कि उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है। तीसरा है चेस्ट एक्सरे, उस पेशेंट का हम चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करवा लेंगे, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि एम्फाइमा है या कोई और समस्या है। यूएसजी करा सकते हैं। पांचवा है एस्पिरेशन ऑफ पस फ्रॉम प्लूरल कैविटी। अब उस लंग्स के अंदर से फ्लूड को एस्पिरेट किया जाएगा, जिसकी वजह से जिससे कल्चर मीडिया से हम पता लगा सकें कि इसमें बैक्टीरिया कौन है, टीबी का बैक्टीरिया है या स्टेप्टोकोकस ऑरियस है, स्टेफाइलोकोकस है, कौन सा बैक्टीरिया है या निमोनिया है, किस बैक्टीरिया की वजह से एम्फाइमा हुआ है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देंगे एंटीबायोटिक्स थेरेपी, जिसमें पेनिसिलिन सबसे टॉप पर रखी जाएगी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, मेगामाइसिन, तो सबसे टॉप पर रखी जाती है पेनिसिलिन। 4.5 ग्राम आईवी उसको दिया जाएगा सुबह शाम। सेकंड है एजिथ्रोमाइसिन, एम्ब्रोक्सिलिन, जेंटामाइसिन, ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उसके लिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स पैरासीटामोल, अगर पेशेंट को बुखार आता है, फीवर आता है, तो पैरासीटामोल दिया जाएगा। तीसरा है एनाल्जेसिक, आइबुजेसिक भी दे सकते हैं या पेन किलर दे सकते हैं उस पेशेंट को। चौथा आर्टिफिशियल O2, जब पेशेंट को रिक्वायर हो, जैसे 90% सेचुरेशन होता है, 90% सेचुरेशन है, अगर सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर में कम आ रहा है या 80% आ रहा है, अब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर आर्टिफिशियल O2 सप्लाई दे सकते हैं, जब पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो तब। नेक्स्ट नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन कराएंगे क्यों? क्योंकि जो कफ है वो कफ को इजीली उसको बाहर निकाला जाए, या जो ब्रोंकियस ब्रोंकियस के पास जो कफ चिपका हुआ है उसको आसानी से बाहर निकाला जाए। ड्यूलिन पुटकोट इंजेक्शन एम्पुल्स आते हैं, जिसको हम नेबुलाइज करके उसको म्यूकोलाइटिक्स बनाया जाता है और कफ को आसानी से बाहर निकाला जाए। सिक्स में म्यूकोलाइटिक ड्रग्स, जिसमें हम पोटेशियम आयोडीन जैसे सीरफ का यूज़ कर सकते हैं, जिससे म्यूकोलाइटिक होगा कफ तो आराम से बाहर उसको खींचा जा सके। नेक्स्ट 7 पॉइंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स में प्रेडनिसोल, मिथाइल प्रेडनिसोल, ये सारी चीज़ें हम दे देंगे, एंटी सपोर्टिक सेल्स होती हैं जो जल्दी इफेक्ट करती है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है थोरासेंथेसिस, ये एक प्रोसीजर होता है जब किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हुआ हो या एम्फाइमा हुआ हो, उस कंडीशन में उस प्रोसीजर को हम करते हैं, जिससे फ्लूड की मात्रा को कम करना या फिर उस फ्लूड को एस्पिरेट करने से हम उसको कल्चर मीडिया तक लेके जाया जाए, जिससे बैक्टीरिया का पता लगे, इसलिए हम उसको करते हैं थोड़ा सा, इसलिए इस प्रोसीजर को हम थोरासेंथेसिस
थोरासेंथेसिस प्रोसीजर कहा जाता है, इसलिए इसको हम थोरासेंथेसिस, इसलिए थोरासेंथेसिस में क्या होता है, फ्लूड रिमूव फ्लूड और एयर फ्रॉम अराउंड द लंग्स। इस प्रोसीजर में क्या होता है, फ्लूड को बाहर निकालते हैं और आसपास के लंग्स के अंदर जो आसपास जो एयर है उसको भी बाहर निकाला जाता है। इच निडल इच पुट थ्रू थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू द प्लूरल स्पेस। अब इसमें एक स्पेशल टाइप की निडल होती है जिसमें उस पेशेंट को इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में पुश किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है निडल को, और वहाँ से फ्लूड को एस्पिरेट एस्पिरेट करके उस बैग के पाउच में इकट्ठा कर लिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या रहेंगे, पहला पॉइंट असेस वाइटल साइन, बेसिक है, कंपलसरी है ये। दूसरा जनरल हेल्थ स्टेटस, तीसरा न्यूट्रिशनल लेवल, एंजाइटी लेवल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट बहुत फियर में रहता है कि मैं कब ठीक हो पाऊंगा या कितनी बड़ी समस्या है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट से आप समझा सकते हैं। सिक्स पॉइंट है असेस नर्सिंग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड स्मोकिंग हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब उस कंडीशन की नर्सिंग हिस्ट्री के साथ साथ फैमिली हिस्ट्री भी, हिस्ट्री को भी जानना होगा, स्मोकिंग हिस्ट्री को भी जानना होगा। ये सारी चीज़ों को पता लगा के हम अच्छे से नर्सिंग की पेशेंट की केयर प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।